कुंडली भाग्य पावर बाय पैराशूट एलोवेरा। देखो मनीषा, जो जैसा चल रहा है चलने दो, आगे भी जो होगा वो अपने आप ठीक हो तो चला जाए, पर जो भी होगा वो तुम्हारे हिसाब से, तो फिर जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। और ये करण, प्रीता, शिष्टि, ऋषभ, ये सब हारेंगे। तुमने देखा ना कल शिष्टि कितनी कोशिश करी उसने कि किसी तरह मेरा चेहरा देख ले, पहचान ले कि मैं कौन हूँ। पहचान पाई नहीं ना। अब ये चारों ना कहीं इरिटेट होके कोने में बैठे ना एक दूसरे का खून पी रहे होंगे, और हमें देखो हम आराम से बैठ के यहाँ पर कॉफी पी रहे हैं। मनीषा, कल से आज तक में एक कदम जीती और बढ़ा दिया यार। एक दिन में मनीषा कितने अमीर हो गए हम। वो पृथ्वी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी। यू शुड बी वेरी हैप्पी। सी, आई एम वेरी हैप्पी। भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सितारे आजकल कुछ ज्यादा ही बुलंदी पर हैं। क्या बात है हमारी यार, अब तो मुस्कुरा दो। लगता है तुम यहां नहीं मुस्कुराओ। चलो घर चलते। ये कॉफी मैंने नहीं बनाई ना, इसलिए तुम्हें हंसा तक नहीं पा रही है। यू गाइस आर यूजलेस। तुम घर चलो, मैं तुम्हें कॉफी बना देता हूं। पागल? हाँ मनीषा, तुम्हारे प्यार में पागल हूं मैं। चलो ये पागलपंती कंटिन्यू करते हैं, घर चलते हैं। कहाँ हैं वो लोग? ऊपर गए हैं। ये रुको पहले, मैं गाड़ी दूर पार्क करके आया हूँ ताकि कोई देख ना ले। How intelligent sir। वो तो मैं बचपन से हूँ, बस कुछ लोग समझते नहीं इस बात को। God is great ना बेबी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कितने दिनों के बाद इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। I feel I'm in seventh heaven. Really? और वो करण, ऋषभ और प्रीता, they are in hell. पर बात हो जाए रोड पे आ जाए वो लोग। हटो। हाँ? एक मिनट हटो। हर चीज में प्रीता जी को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? उनकी लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहती हो तुम? जब देखो तो प्रीता 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 करते रहते हो। हाँ, प्रीता को इसलिए इन्वॉल्व करी हूँ क्योंकि वो करण का सपोर्ट करती है। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम्हें क्या प्रीता की फीलिंग्स आ गई है? जब भी प्रीता के बारे में कुछ बोलते हो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। गड़बड़, कुछ तो गड़बड़। किसमें? मेरे में या उस प्रीता में? उन दोनों में से किसी में भी नहीं। ये आंख देखो फड़क रही है, आंख में गड़बड़ है। मुझे लगता है तुम्हारा दिल फड़क रहा है। दिल नहीं, आंख फड़क रही है। देखो भाई, भाई आंख फड़क रही है। मैं क्या करूं? अरे तुम कुछ मत करो, जो करेगी वो ये बाई आंख करेगी जो फड़क रही है। बाई आंख का फड़कना मतलब बहुत बुरा होता है। इट्स बैड लक। कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली है, बहुत बुरा होने वाला है। पर क्या क्या होने वाला है? क्या हो रहा होगा? कहां हो रहा होगा? वो देख रहे, देखो जरा। एदी, इतना प्यार लगता है दोनों में। मैं आप लोग को एक बात बताना भूल गई। जब मैंने इस लड़के को पहले देखा था उसकी मूंछ थी, और अभी तो पूरा क्लीन शेवन है यार। अच्छा, इसका मतलब तो साफ है कि ये लड़का मनीषा की चाल में उसके साथ मिला हुआ है। वरना कोई इंसान इस तरह अपना फेस क्यों बदलेगा? एग्जैक्टली यार, कन्नत को हमारी पार्टी में भी था हमारे घर पर। इसका मतलब हमेशा मनीषा के साथ ही रहता है। करण साहब, ये आपका कोई पुराना दुश्मन तो नहीं है? पता नहीं यार, मैंने लेकिन आज से पहले इसको देखा तक नहीं है। बात कर रहे? कोई बात नहीं सर, अब हम देख सकते हैं क्योंकि मैंने उसको कैमरे में कैप्चर कर लिया है। हो सकता है ये फोटो आगे जाके काम आ जाए। अरे उनकी गाड़ी निकल रही है, जल्दी आ सृष्टि। तुम्हारा दिमाग खराब होने वाला है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। होता है, बाई आंख के फड़कने से कुछ गड़बड़ होती है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मेरी बात सुनो।
जब इंसान बहुत टेंशन में रहता है या उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती है तो उसकी आंख फड़कती है। इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। अरे तुम्हारे साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट को तुम अपने पास ही रखो, अपने थियोरीज को अपने पास ही रखो और जाओ यहाँ से। दिमाग मत खराब करो मेरा। मैं कह रहा हूँ ना, बाई आंख के फड़कने से गड़बड़ होती है, मतलब गड़बड़ होती है। चिल्लाने की जरूरत नहीं, आराम से बात करो। ये देखो कितनी जोर से फड़क रही है। तभी मैं कह रहा हूँ तुमसे, मेरी बात मानो, बहुत बहुत गलत होने वाला है, कुछ कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली है। मुझे दिख रहा है और मुझे ये भी पता है कि इससे क्या होगा, क्या बुरा होगा। जब तुम किसी लड़की के सामने जाके खड़े होगे ना और तुम्हारी आंख यूं ही फड़कती रहेगी ना, तो उसके बॉयफ्रेंड को लगेगा कि तुम उस पे लाइन मार रहे हो और वो तुम्हें आके मार डालेगा। और मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने मेरा दिमाग खराब किया तो। अंडरस्टैंड? मजाक उड़ा रही हो मेरा? मजाक तो तुम खुद का उड़ा रहे हो, ऐसे डर डर के बेवकूफ जैसे बिहेव कर रहे हो। अरे डर है मेरा दुश्मन। और बेबी समझने की कोशिश करो। देखो ये देखो मेरी भाई आंख कितनी जोर से फड़क रही है। मैं कह रहा हूँ तुमसे कुछ गड़बड़ होने वाली है, बहुत गलत होने वाला है, ट्रस्ट मी। तुम वो मिडिल क्लास लोगों के साथ रह रहे के तुम्हारी मेंटालिटी भी मिडिल क्लास लोगों जैसी हो गई। अरे कैसे बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो, इतने सुपरस्टिशियस कब से हो गए तुम? ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें पता है मेरी लाइफ में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या चल रही है? वो तुम। बाय। बाय नहीं, गुड बाय। जाओ निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मुझे साइको मूर्खों की महारानी, सबसे बड़ी मूर्खों की महारानी है तू। इतना ये मुझे मेंटल साइको सिक पागल सब बना के ही दम लेगी। दरवाजा बंद करता हूं। और मुझे भी जरूरत है तुम्हारे जैसे साइको इंसान की। आउट, दोबारा घंटी मत बजाना, बेशरम, फिर से मत आओ। आउट, आउट। अब जाकर थोड़ा स्ट्रेस फील लग रही हो तो? गुड। यस, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। ऐसा लग रहा है कितना सुकून मिल रहा है और मेरे सर के ऊपर से जो वेट था ना उतर गया। सर दर्द का कॉल फिर से आ। अभी तो थोड़ी खुश हुई थी मैं, ऐसा सुकून सा लग रहा था जैसे मेरे सर पे कोई वजन नहीं है। लेकिन मोनिशा चिल, फोन हमारा है, मर्जी हमारी है। हमारा मन होगा हम उठाएंगे, हमारा मन नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। चिल, मैंने कहा था ना होगा वही जो हम चाहें। तो फिर ठीक है, मोनिशा नहीं चाहती है सर दर्द का कॉल अभी अटेंड करें। एग्जैक्टली। अरे सर थोड़ा तेज चलाइए ना। क्यों, तेज चलाकर क्या हो जाएगा? गाड़ी उनसे आगे निकालनी है, उनका पीछा करना है, रेस नहीं लगानी है। सुनो, तुम उनसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखो, इतना डिस्टेंस कि हमारी आंखों से उनकी गाड़ी ओझल भी ना हो जाए और जब हमें उन्हें पकड़ना हो तो वो पकड़े भी जाए। क्या बात है, तुम दोनों लड़कियां कितनी बड़ी ज्ञानी हो और मैं नादान, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैडम दोनों लोगों को कह दो थोड़ा सा कॉमन सेंस मेरे पास भी, ओके? यही तो प्रॉब्लम है, आजकल कॉमन सेंस ना बहुत अनकॉमन हो गया। एग्जैक्टली, कब से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज जाके समझी हो तो। क्या मतलब? तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरे पास कॉमन सेंस नहीं है, तुम में कॉमन सेंस नहीं है? अरे प्लीज हम दोनों झगड़ा मत करो यार। झगड़ा मैंने नहीं, इसने शुरू किया। ओ हेलो, झगड़ा तुमने शुरू किया। अच्छा मेरे में कॉमन सेंस नहीं है, किसने बोला? तो कॉमन सेंस में इतना बड़ा ज्ञान किसने दिया? तुमने 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 शांति शांति प्लीज। शिशिर तू ही बता, किसने झगड़ा शुरू किया बता मुझे। हाँ शिशिर तू बता, मेरी बहन है ना, 100% ऑनेस्टी से बता कि झगड़े की बात किसने शुरू की। शिशिर तू मेरी सबसे बड़ी फैन है, तू बता झगड़ा इसने शुरू किया ना, इसने। शिशिर मेरी गलती है, मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी झगड़ालू, तू यहाँ बैठे बैठे झगड़ा किए जा रही हूँ। आप दोनों तो शांति से बैठे हो, इतनी शांति से बैठे हो कि लग ही नहीं रहा कि आप दोनों बैठे हो। ओके अब जब आप लोग को पता चल गया है कि मैं गुनहगार हूँ तो क्या हम मोनिशा और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा करें? I love you. And I love you too. इस मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा को पता नहीं क्या चाहिए, उठाए लेते। हेलो, अरे कहा हो तुम, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। अगर मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ इसका मतलब कुछ इम्पोर्टेंट काम है मुझे तुमसे, टाइम पास करने के लिए मैं किसी को कॉल नहीं करता, अंडरस्टैंड? कहा हो तुम। Listen, Dad, इतने सारे सवाल एक साथ कर दोगे, मुझे बोलने तो दो। Dad? नहीं, पृथ्वी डैड का कॉल है। बहुत सवाल कर रहे हैं मेरे डैड की तरह। मुझे लगता है कि मैंने जवाब दूंगी कि मैं कहाँ हूँ, राइट? तुम अभी ऋतिक के साथ हो?
नहीं डैड, मेरी एक बात सुनिए, मुझे ऋत्विक से मिलने से मत रोकिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मैं शादी करना चाहती हूँ। डैड आप समझ क्यों नहीं रहे? Hold it, shut up! तुम्हारे बचकाने दिमाग से निकली हुई बचकानी मजाक को अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बस इतना कहने के लिए कॉल किया कि मेरी बाइयां कब से फड़क रही है, और जब भी मेरी बाइयां फड़कती ना तो कुछ ना कुछ बहुत बुरा होता है, तो तुम अपने दाएं बाएं हर तरफ देख के चलो, बी वेरी वेरी केयरफुल, डू यू अंडरस्टैंड? लिसन, तुम्हारी आंखें फटके, तुम्हारी नाक फटके, तुम्हारे कान फटके, तुम पूरे के पूरे फटको ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन रखो। फर्क क्या? मेरी आंख कब से फड़क रही है, और ये लड़कियां कभी फड़फड़ाने से बाजी नहीं आती। क्या हुआ? मेरी बाएं आंख फड़क रही है, कुछ गलत हो सकता है, केयरफुल रह। अरे मोनिशा, वो पति से सब कुछ तुम्हारे नाम करने वाला है, थोड़ा तो उससे स्वीट बात कर। और इट्स ओके, बोल ही क्या रहा था कि बाई आंख फड़क रही है उसकी, कुछ गलत हो सकता है, तो क्या पता सच में कुछ गलत होता हो बाई आंख फड़कने से। क्या होगा, कोई हमारा पीछा कर रहा है क्या? पीछे पलट के देखो, तुम्हारा सच्चे में पीछा तो नहीं करता। मोनिशा देख रही है, नीचे छुपो, छुपो, छुपो। कोई भी नहीं है पीछे। रंसन नीचे, नीचे। झुक जाओ ना, वो आपको देख लेगी। अरे नहीं देखेगी, बीच में दूसरी गाड़ी है, वो इतनी दूर से मुझे नहीं देख पाएगी। हाँ? अरे सर, लेकिन झुक जाओ ना, सेफर साइड के लिए क्या फर्क पड़ता है? डंबो की बहन डंबो, राइट? आई मीन मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा अगर मैं नीचे झुक जाऊंगा तो? हाँ, दोनों बहनें एक सी। यार नीचे कैसे झुक जाऊं यार, इतनी दूर देख नहीं रहे, बीच में दूसरी गाड़ी कैसे देखेगी इतनी दूर से? उसके आंखों में मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं लगा कोई कि मुझे देख लेगी इतनी दूर से? सॉरी करण सर, वो जोश जोश में कुछ ज्यादा ही भूल गई। आंखें फड़कनी बंद ही नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई पक्का मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा हूं? पर कौन, कौन हो सकता है, और मैं पता कैसे लगा? मोनिशा के बारे में किससे बात कर रहा था? आ? चल क्या रहा है? तेरे चेहरे पर लिखा कि आज तू फिर से कोई कांड करने वाला है। ओ, अब समझ में आया कि इस गड़बड़ी का नाम करण लूथरा है, वही है जो सब गड़बड़ करने वाला है। गिल्ली डंडा प्लेयर, कभी पीछा नहीं छोड़ता मेरा। अरे अब तो मैंने अपने बाल भी बिठा दिए हैं, फिर भी पीछे पड़ा हुआ है। पता लगाना पड़ेगा कि ये गिल्ली डंडा प्लेयर मेरे खिलाफ क्या साजिश रचने वाला है, कौन सी खिचड़ी पकाने वाला है, मेरे खिलाफ क्या प्लानिंग करने वाला है, और कैसे कैसे पता लगाऊं? पुरखों की महारानी कब काम आएगी तू? अरे फोन उठा जल्दी जल्दी, फोन उठा राइट नाउ। वो देखो गाड़ी ने टर्न लिया है, जल्दी तुम भी टर्न लो। गाड़ी उस बिल्डिंग के अंदर गई है, मतलब उसका घर मिल गया। अरे ये तो मोनिशा का घर है। अरे दी, अगर आपको यहाँ आना था तो मुझे पहले बताते, मैं ऑलरेडी ऋषभ जी के साथ इस घर में आ चुकी हूँ। और वैसे भी इसके बॉयफ्रेंड को हमने बिना मूछ के कैफे के बाहर तो देख ही लिया है, इसका मतलब इनका पीछा करने से कुछ हाथ नहीं लगा। लौट के बुद्धू घर को आ गए।
एक मिनट यार, कोई खिड़की हो तो हम खिड़की के रास्ते अंदर जा सकते हैं। आई मीन घर के अंदर कुछ ऐसा मिल सकता है जो घर के बाहर ना मिले। ने बिल्कुल सही कहा सर, अक्सर अंदर की बात अंदर ही मिलती है। और वैसे भी सफेद छछुंदरी अपने बंदर के साथ अंदर गई है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। पता है अपने घर आके इतना सुकून मिलता है। सीरियसली आई लव यू। आई लव यू टू। एंड एज प्रॉमिस्ड मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लाता हूँ। या प्लीज जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ तुम्हारे लिए। कॉफी भी दिल से बनाऊंगा बिकॉज आई लव यू मोनिशा शर्मा। एंड आई लव यू टू। अच्छा सुनो, जाओ जाओ जल्दी कॉफी बना के लाओ। ओके। अब ताका झाकी कैसे करेंगे? यहाँ तो गार्ड्स खड़े हैं यार। अब क्या करें? अब इन दोनों का बायोडाटा कैसे पता करेंगे? अरे सर, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, नाम पता यूं छुट्टियों में पता लग जाए। ऐसा हमें लगता है कि वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। आजकल बहुत कॉमन है ये हाथ में हाथ पकड़ के सड़क पे घूमना, सब लड़के लड़कियां यही करते हैं यार। हमें लगता है कि वो बॉयफ्रेंड है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। अरे देखो वो पान वाला। अरे उसकी तरफ देखो मत, बस सुनो। पान वाला आपको ऐसे घूरे जा रहा है जैसे आप कोई उसकी ड्रीम गर्ल हो। एक मिनट यार, तू बहने की जल्लाद है मतलब? हाँ, कुछ भी बोली पिता के बारे में यार, वो भी पान वाले के साथ। कितनी हिम्मत अभी इसकी बैंड बजा के। क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो यार। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि वो आपको ऐसे घूरे जा रहा है जैसे आप उसे पसंद आ गई हो। कि तुम मैं? एक मिनट, मैं कहना क्या चाहती हूँ, हम उसकी पसंद का फायदा उठा सकते हैं। दी, आप एक काम करो, आप इस पान वाले के पास जाओ, स्वीटली उससे बात करो इन दोनों कबूतरों के बारे में, इनके बारे में हिस्ट्री निकालने की कोशिश करो, देखना चुटकी में बता देगा आपको। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शर्म नहीं आती तुझे? मैं पान वाले से जाकर गप्पे लड़ाओ। अरे दी, मैं उनको गले लगाने को नहीं कह रही हूँ, मैं बस अच्छे से उनसे बात करने के लिए कह रही हूँ यार। सृष्टि, ये गले वाले लगने की बात ना मत कर, ओके? सृष्टि प्रीता के लिए। करण सर, आपको हो क्या गया? आप इतना जल क्यों रहे? मेरा मतलब है गुस्सा क्यों हो रहा? शांत हो जाइए ना। मुझे लग रहा है कि सृष्टि की बात में दम तो है, मतलब आधी बात में दम। ये पान वाले की दुकान एकदम मुनीषा के घर के सामने है। आई एम श्योर वो मुनीषा और उसके बॉयफ्रेंड को रोज अंदर बाहर जाते हुए देखता होगा। मैं जाती हूँ उसके पास और देखना कैसे बातों ही बातों में मुनीषा सीक्रेट आउट करवाती है। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मेरा मतलब है जरूरत है, चलो चलते, मैं भी चलता हूँ साथ। अरे नहीं सर, आप नहीं जाओगे, वरना वो कुछ भी नहीं बताएगा। अरे लेकिन प्रीता को अकेले कैसे भेज सकते हैं पान वाले के पास? आप जाओ ना, हम लोग यहीं पर। हाँ, तो उसको अकेला भेज रही है। एक मिनट सर, पान कैसे जल रहे हैं? मैं ना कोई चल वल नहीं रहा हूँ, ओके? वो पान वाला प्रीता को कैसे घूर घूर के देख रहा था, और मैं ना किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो प्रीता, तेरी बहन प्रीता अरोड़ा को घूर घूर के देखेगा, समझी तू? सर मुझे एक बात बताओ, आजकल आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है क्या? है? नहीं, तू तो मुझसे बात मत कर, मैं जा रहा हूँ प्रीता को बचाता। अरे सर, आप कितनी देर से हम आप ही को देख रहे थे। मुझे? हाँ हाँ सर, आपको उगता है कि हम आपके बहुत ही बड़े फैन हैं, और हम सोच रहे थे कि एक बार आप हमारी छोटी सी दुकान पर आए और मीठा मीठा पान खाएं, हमरे तो भाग्य ही संवर जाए। और जानते हैं आप, उगता है कि हमने अपने बच्चे के जन्मदिन पर आपके नाम पे पान का नाम रख दिए, करण लूथरा मीठा पान, करण लूथरा इलायची पान, करण लूथरा गुलकंद पान, और चुटकियों में सारे पान फटाफट बिक गए सर। वेरी गुड। अच्छा, आपके साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, बहुत बड़ा फैन। काहे के हमारी दुकानवा का भी तो फोटो आना चाहिए ना। अरे बहन जी, आप तनिक हट जाइए ना प्लीज। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू। ये बताइए कौन सा पान खाएंगे, मीठा लगाए कि तीखा? अब वो एक्चुअली मैं पान खाता नहीं हूँ। करण, ये देखो मनीषा कितनी स्वीट, कितनी क्यूट लग रही है। क्या? अरे मुझे याद आया, मनीषा यही घर रहती है ना, इन्हीं घरों में से एक घर में। हाउस नंबर याद नहीं आ रहा है। अरे ये लड़की तो ऋत्विक सर के साथ हमारी दुकान पर आती है। क्यों?
ऋत्विक सर? हाँ बहन जी, ऋत्विक सर यानी इनका बॉयफ्रेंड। दोनों हमारी दुकान पर आते हैं कभी कभी, वैसे ये अकेली कभी नहीं आती। जब ऋत्विक सर साथ होते हैं तभी हमारी दुकान पर आती है, और दोनों को मीठा पान बहुत ही पसंद है। यही सामने वाले घर में तो रहती है। ओ हाँ, यही रहती है, याद आ गया, लग गया। लेकिन तुम्हें इन दोनों के बारे में इतना कैसे पता? अरे सर, वो ऋत्विक सर है ना, उन्होंने अपने लाउंज बार के बाहर एक पान का दुकान खोलने का ऑफर दिया था हमका। लाउंज बार? हाँ, लाउंज बार के बाहर